लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारत सरकार विश्व स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। हमें गौरव होना चाहिए, कहीं ना कहीं जो एक वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट, मैं जिसे कहूंगा कि कॉलोनियल हैंगओवर, वो आज तक चल रहा है। आज हमको कितने साल आज़ादी को पूर्ण हो गए हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम शुद्ध हिंदी ना बोल पाए उसमें शर्म महसूस नहीं होती है। मगर गलती से अंग्रेजी गलत बोलती तो जो है सोसाइटी में, समाज में बहुत शर्म महसूस होती है। तो हमें, मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि उस कॉलोनियल हैंगओवर से बाहर निकलने की आवश्यकता है। और हिंदी हमारी मातृभाषा है और मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि भारत सरकार इसको अब विश्व स्तर पर भी बढ़ावा देने का बहुत प्रयास कर रही है। और बहुत खुशी होती है जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर, व्हाइट हाउस में जाकर, जब वहाँ पे भारत की ओर से संवाद करते हैं वो हिंदी में करते हैं, हिंदी में उसका अनुवाद किया जाता है। और ये बहुत गलत चीज है। और वैसे ही अभी जो G20 समिट भी हमारा नई दिल्ली के अंदर हुआ, जिसमें विश्व भर की बड़ी बड़ी ताकतें, चाहे उसमें चीन उस समय नहीं आया मगर निश्चित तौर से वो उसका पार्ट है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और सभी जो बड़ी बड़ी ताकतें पूरे देश की, पूरे विश्व की है, वो वहाँ पर आई। और वहाँ पे जो हमारा प्रगति मैदान को जो मंडपम, भारत मंडपम, वहाँ पे जो है उसको पूरा बनाया गया। और वहाँ पे जो इमर्जिंग पावर है हिंदुस्तान, उसको पूरे विश्व पटल पर जो है वो दर्शाया गया। और ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि इसमें हिंदी का जो इस्तेमाल और ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।